मोमिना है आप अभी भी? जी फिलहाल तो ही अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ती थी, पढ़ती है या क्या मामला है? पढ़ती हूँ बट मैं कंसिस्टेंसी हूँ। तो जी क्या कंफ्यूज क्यों लिखा हुआ है? कब से चैनल देख रही है आप? अप्रोक्स मेरे को 1 महीना हो गया है अच्छा, एक जी महीने से देख लिया आप हमारा चैनल? जी 1 महीने से मैं ऑलमोस्ट ट्राई सारी कर रही वीडियो हूँ। देख ली आपने? हाँ ऑलमोस्ट सारी तो मैंने नहीं देखी है बट मोस्ट ऑफ दिन मैंने देख ली। तो क्या समझ में आया फिर अभी आपके? जैसे कि आपने मेरा लाइक नेम देखा कंफ्यूज, आई एम रियली कंफ्यूज हियर बिकॉज मैं एक ऑब्वियसली बहुत रिलीजियस फैमिली में पैदा हुई हूँ और मेरा कल्चर भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहा है। तो एक टाइम ऐसा था कि आई वॉज वेरी रिलीजियस एंड मैंने बहुत ज़्यादा नमाजें कुराने एंड स्टफ लाइक दैट ये सब चीज़ें बहुत मैंने फॉलो करा बट बीच में मैं पढ़ रही थी तो उस दौरान मैंने कुछ एग्जाम्स दिए एंड उसमें मुझको थोड़ा सा यू कैन से कि आई वॉज नॉट आई क्लियर द एग्जाम बट मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिला तो मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद गुजार भी थी। तो आई वॉज लाइक मेरे को आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है। आई प्रिपेयर्ड फुल, मैं नमाजें पढ़ रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, फिर भी मैं मतलब क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को उस चीज़ जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ वो चीज़ मेरे से दूर जा रही है और मैं उसके पास नहीं पहुँच पा रही। सो दिस इज इट एंड मेरे बचपन से और मैंने आपकी वीडियोस देखी है, मैंने जितनी भी लाइक एक्स मुस्लिम्स या फिर जो भी मोमिनास की देखी थी तो उन लोगों का ये था कि जैसे उनके क्वेश्चंस रहते थे कि सब औरतों के साथ ही क्यों, सब औरतों के लिए हराम ही क्यों, मतलब हर चीज़ में औरतों को आईब्रोज नहीं बनाना, आईब्रोज बनाएंगी तो ये उनके वो लानत है उनके ऊपर और लिपस्टिक भी हराम है एंड अपना कुछ भी चेंज करना एंड हेयर दिखाना, हेयर दिखाना तो इट्स लाइक बाल दिखा रहे हो आप तो आप जहन्नमी हो, आपका जहन्नम में कई सालों तक आपका वो रहेगा और आप जन्नत पेंटिंग नहीं कर पाओगे। सो दीज वर द क्वेश्चंस और फिर मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा जो इस्लाम को इन्फ्लुएंस करती है औरतें एंड दे आर नॉन हिजाबीज एंड दे शो देयर हेयर्स। सो मेरा यही सना खान क्वेश्चन था रहती है, कि पार्डन जैसे कि ये एक्ट्रेस सना खान है, ये भी जी इस्लाम का जी इतना वो करती है, लेकिन आप देखो बेपर्दे की पूरी दिख रहती है उसके अंदर। जी मेरा यही था कि एक तरफ मैं सुनती हूँ, मैं जैसे कभी को आई यूज इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे मैं रील्स देखती हूँ, वहाँ पे लोग को मैं देखती हूँ कि काफ़ी ऐसी मेरे पास रील्स आती है कि आपको शक्ल नहीं दिखाना, आपको म्यूजिक नहीं लगाना बट मैं काफ़ी देखती हूँ बहुत मोमिनाज जो हैं दे आर हिजाबीज, दे आर वेयरिंग अबायाज एंड दे ऑल्सो हैव दिस म्यूजिक ऑन देयर रील्स एंड वीडियोज लाइक सो विल दे बी लाइक विल दे गेट अलाउंस टू गो इन जन्नत लाइक दैट। बिकॉज मैंने सुना है कि अगर आप अपने वीडियोज पे या फिर रील्स पे म्यूजिक लगाते हो तो भी आप बहुत सारा गुनाह कमा रहे हो। तो मेरे ये सारे सवाल थे और फोटोज वगैरह को लेके भी ये सब सवाल थे और बाकी एंड मेरा एक और क्वेश्चन था स्लेवरी पे इफ यू डोंट माइंड बिल्कुल करिए। कि स्लेव इस्लाम जैसे हदीस में आपने बोला कि स्लेवरी इज लाइक अलाउड है एक हदीस में बट कुरान में ये लिखा है कि जिनाखोरी एंड शराब से बहुत दूर रखो, जिनाखोरी के पास भी मत जाओ। तो एक तरफ कुरान में ये भी लिखा है कि जिनाखोरी के पास मत जाओ और एक तरफ हदीस में लिखा है कि स्लेवरी, तो स्लेवरी वाला केस मैंने देखा, मैं भी यही सोचती थी कि शायद उस टाइम जमाना ऐसा था बहुत पुरानी सोच के लोग थे तो उस टाइम की सिचुएशन देख के स्लेवरी को अलाउ करा गया। लेकिन एक तरफ अगर मैं कुरान को देखती हूँ कि उसमें जिनाखोरी भी मना है तो दिस टॉपिक इज मेकिंग मी जिना कंफ्यूज क्या कि होता बोर जी है? जिना क्या होता है? क्या होता है। जिना सी जिना मैं जिना क्या होता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे हलाला का भी अभी पता चला है नहीं, जिना तो क्या मैं होता है? बता इसकी आपके आप हिसाब से टेक्निकली नहीं पूछे, मतलब इतना आपको परफेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिना खोरी, मतलब जिना आप क्या समझती है, जिना किसको कहते हैं आपके हिसाब से, कुछ पता है आपको? जिना इज लाइक द
sexual intercourse and all this and that out of marriage. वो तो शादी में भी करते हैं. Out of marriage हाँ, pre-marital वो तो शादी में भी करते हैं and marital affair. वो शादी में भी करते हो ना आप जिना. फिर if zina is sexual intercourse then शादी करके भी तो आप जिना ही कर रहे हो. Out of marriage Adam, out of marriage बोल रही है. नहीं वो आप बोल रहे हैं. Let her think what zina is. Zina is there are I heard ki there are so many okay flirts ke flirt okay get, let's go to flirt. What is flirt? आपने कभी love flirt flirt सुना होगा कि एक बंदा एक बंदी के साथ flirt कर रहा है. What does that means? इसका मतलब क्या? मतलब कि ये कि कोई भी अगर किसी से मतलब किसी में किसी को इंटरेस्ट है और वो उसे फ्लर्ट कर रहा है, मतलब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लर्ट कर उसको फ्लर्ट नहीं कहते, उसको फ्लर्ट नहीं कहते. अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो और आपने उससे इवेंचुअली शादी करना है, उसको फ्लर्ट नहीं कहते. व्हाट इज फ्लर्ट? सी ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस, तो मेरे को आप एक दूसरे से मतलब सोशलाइज कर रहे हो, सोशलाइज करने को सोशलाइज करना कहते हैं, फ्लर्ट करना नहीं कहते. मतलब कोई आपसे कुछ चाहता है, आप हासिल करना चाहता है और वो आपसे फ्लर्ट कर, आई एम लाइक क्या हासिल करना चाहता है, या तो आपका यूज करना चाहता है बेसिकली. ओके सो अगर आप किसी को सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते हो लेकिन जोर जबरदस्ती के जरिए नहीं, बल्कि आप उसके साथ डिसेप्टिव तरीके से उसको दिखा रहे हो कि आप उसके साथ बहुत क्लोज हो और आपकी इंटेंशन सीरियस नहीं है, एक डेफिनेशन फ्लर्ट की ये होती है. ठीक है, ये आपकी काफी हद तक बुकिश डेफिनेशन है. सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो फिर आप किसी के साथ उसके साथ शुरू हो जाते हो और उसके साथ रिलेशनशिप भी रखते हो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो, इसको फ्लर्ट के रमजे में ही काउंट किया जाता है कि यार तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, हाउ कैन यू एक्चुअली गो एंड हैव अनदर रिलेशनशिप, अगर चाहे वो सच्चा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, इसी को भी फ्लर्ट कहा जाता है. करेक्ट. इस्लाम में अगर आप एक बंदे के साथ शादी किया हुआ है और आप उसके वो बंदा किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है तो उसे फ्लर्ट नहीं कहते, क्योंकि वो दूसरी बंदी के साथ शादी कर सकता है. जी. अगर उसने दो शादी किया हुआ है तो वो तीसरी बंदी के साथ फ्लर्ट कर सकता है और तीसरी के साथ भी सेक्स कर सकता है, उसको फ्लर्ट नहीं कहेंगे. इस्लाम में तीन लड़कियां भी एक ही वक्त में आप रख सकते हो. अगर आपके पास तीन बीवियां हैं, तीन के साथ सेक्स कर रहे हो और अब आप चौथी के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ, कोई चौथी लड़की आपको पसंद आ जाए, आप उससे फ्लर्ट कर सकते हो, जिसको इस्लाम फ्लर्ट नहीं कहता, सोशल रिलेशनशिप कहता है. और वहां से वो यानी कि आप सेक्स अभी तक नहीं कर रहे हो, फिर शादी करता है और उससे सेक्स कर लेता है, इसको भी वो फ्लर्ट नहीं कहते और इसको भी बुरा नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह की हदूद के अंदर आता है. जिना इस्लामिक तौर पे वो है अगर आपने सेक्स किया अल्लाह की हदूद के बाहर, जिस चीज को अल्लाह ने हद बंदी में डाल दिया है उससे बाहर जाके सेक्स किया किसी लड़की से, तो वो जिना के रमजे में आता है. सो लिहाजा मोहम्मद ने अगर 11 शादियां की, तमाम मुसलमानों के लिए 4 शादियां अलाउड है, मोहम्मद ने 11 शादियां की जिनका आपको पता है बुखारी वगैरह और सियासता के अंदर, या 13 शादियां की एक ही दफा में इकट्ठी, हालांकि मोहम्मद की से ज्यादा थी, लेकिन एनी ऑल फॉरगेट दैट, उसने अगर 13 शादियां एक ही वक्त में रखी भी हैं तो भी ये जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि मोहम्मद को स्पेशल परमिशन थी ज्यादा शादियां करने की. आम मुसलमान अगर 5वीं शादी करता है तो एक ही वक्त में, तो 5वीं लड़की के साथ वो जिना कर रहा है अगरचे उसने शादी करके सेक्स किया है. जब उसने 5वीं लड़की के साथ शादी की है तो वो जिना के रमजे में आएगी, क्योंकि अल्लाह की हदूद से बाहर निकल गया अगरचे उसने शादी की है. अगर वो पहली शादी करता है जिना में नहीं आता, दूसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, तीसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, चौथी शादी करता है जिना में नहीं आता, 5वीं शादी करेगा तो वो जिना के रमजे में आएगा. सेम इज द केस, ये हदूद लगा दी कुरान ने. इसी तरीके से अगर वो स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है तो वो जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि वो हदूद के अंदर है अभी, क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करना हदूद के अंदर है, तो इस्लाम के रमजे में वो जिना नहीं है. जी. क्योंकि इस्लाम बाय एसेंस आपको पॉलीगमी और ज्यादती फीमेल के साथ सिखाता है, और फीमेल की औकात इस्लाम में कुतिया से ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें हलाल हैं, ओके हैं, अलाउड हैं, और ये जिना के रमजे में नहीं आती. मेक सेंस? एडम सर, एक मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये सुना था कि आपकी चार चार शादी लाइक फॉर मेन
जो अलाउड है वो भी एक कंडीशंस पे है ना, कि अगर एक कोई बीमार हो कंडीशन नहीं है, जाते और हैं। इनमें से तुम दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ शादी कर लो, और अगर तुम इनके साथ इंसाफ ना करो तो एक के साथ कर लो। तो कुरान स्टार्ट ही दो दो से शुरू करता है, दो दो या तीन तीन या चार चार। कुरान कहते हैं नहीं एक शादी करो, अगर तुम्हें तुम्हें अगर उसमें ये वाली प्रॉब्लम हो या ये वाली प्रॉब्लम हो ये तो दूसरी कर लो। नहीं, इस्लाम कुरान स्टार्ट ही दो से करता है, जी और इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार के साथ शादी कर। कुरान जब स्टार्ट ही दो से कर रहा है तो भाई फिर उसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन तो तब हो जब कुरान ये कहे और अल्लाह ने एक बंदा एक बंदी के लिए बनाया है और हर शख्स को एक औरत के साथ शादी करनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट, इल्ला एक्सेप्ट, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसमें बच्चा ना होना या और किसी किस्म की प्रॉब्लम जी जी या ये कोई और भी फितने का डर, तो तुम दूसरी शादी कर लो या तीसरी शादी कर लो या चौथी शादी कर लो। ये चीज कुरान नहीं कहता, कुरान इसके रिवर्स कहता है। जो मुल्ला मौलवी बकवास करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके बरअक्स कुरान ये बोलता है कि तुम इनमें से दो दो या तीन तीन या चार चार शादी कर लो। बाय द वे, जो सच्चे मुल्ले हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो सीधा सीधा जी मुंह फाड़ के बोलते हैं कि भाई दो दो शादियां करो, तीन तीन शादियां करो, चार चार शादियां करो। कुरान की कुरान कहता है तीन तीन चार चार शादियां करो। आपको अपनी जी पहली बीवी से परमिशन नहीं चाहिए, मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया था, फतवाज ये हैं कि आप अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और पहली बीवी को बोल दो जी कि मैंने शादी नहीं की अगर घर का माहौल खराब खराब हो रहा तो, क्योंकि आप बीवी से झूठ बोल सकते हो। मोहम्मद मेरा साहब एक की और ये हदीस है कि सवाल तुम भी तीन लोगों था। से झूठ बोल सकते हो, लड़ाई के अंदर दोस्तों को दोस्तों को दोस्तों को मिलाने के लिए, भलाई की बात के लिए, या अपनी बीवी से। तो चूंकि आप बीवी से जी झूठ बोल सकते हो, लड़ो से झूठ बोल के आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, और बीवी को बताने की जरूरत भी नहीं है। जी और एक और ये सवाल था कि मैंने ऑफ कोर्स ये भी अलाउड है कि मेल्स को दूसरे रिलीजन में मैरिज करना अलाउड है, बट फीमेल्स को अलाउड जूस और नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ, अहले किताब के साथ, जी, उनके साथ, बट स्टिल दे आर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन ना, बिकॉज तो बिकॉज उनको क्यों। बेसिकली डंडा है ना इस्लाम में, मर्द का डंडा है, औरत ने तो पैर की जूती की तरह रहना है। तो लिहाजा चूंकि मर्द का डंडा है, तो अगर से तुम कर लोगे, बच्चे तुमने इस्लाम के मुताबिक ही पालने हैं, तो इवेंचुअली वो भी मुसलमान ही हो जाएगी ना, चाहे कुछ भी कर लो। इवेंचुअली तो तुमने उसे मुसलमान कर ही लेना है, तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे तरीके से रहेगी, बच्चे तुम्हारे तरीके से रहेंगे, तो वो भी कुत्ती रोती खोती इस्लाम कबूल कर ही लेगी। ये जागिरून जी करने का दूसरा तरीका है, इसीलिए आप लड़की ला सकते हो, लड़की दे नहीं सकते। जी तो मेरा यही सवाल था, और मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ। काफी देर से जब से मैं साइंस और के वीडियोस कंफ्यूजन क्या है? वगैरह देख रही हूँ, कंफ्यूजन यही है कि मैं खुद ही एक डिलेमा में चली गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या है अभी, जिसपे डिलेमा मैं से इतना साहिल भाई ट्रस्ट। निकालेंगे, कोई इस्लामिक सवाल हो तो मुझे बताइए, साहिल भाई डिलेमा से निकाले। जी सी, आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल क्या करूं, तो प्लीज नो माइंड। नेक्स्ट टाइम आए तो पेपर पे सवाल लिख लें, जो जो इस्लामिक क्वेश्चन है तो आके कर लें, आपको जवाब दे देंगे। जी लेकिन बात यह कि मैं इस्लाम को आप जरूर कहीं से भी इंसान पकड़ेंगी हूँ। ना, आपको गंदगी ही मिलेगी, जी नो मैटर कहाँ से आप पकड़ो। जी वही, आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि इस मतलब ये मत करो, वो मत करो, भाई से ऊंची बात मत करो, घर में लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, लड़के को ऐसा रहना चाहिए। मुझे यही सवाल रहता था घर पे भी कि लड़कियों के ऊपर ही सारी बंदिशें क्यों हैं भाई, लड़कियां ही क्यों इतना वो है कि भाई ना अरे उनको लड़कियां नहीं। लड़कियां जो है ना, वो आप खुद ही अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, एक एक वेस्ट में जो कुतिया है ना उसकी ज्यादा औकात है इस्लाम के अंदर एक लड़की की निस्बत। मेरी एक स्ट्रीम है, उसका नाम ही है वुमेन इन इस्लाम वर्सेस बिच इन द वेस्ट, जाके देख वैसे लीजिएगा। मैंने आपकी वीडियोस नहीं देखी, बट मैंने साहिल से की वीडियोस बस ये देखी है, वाली देख तो मैं लीजिएगा आप, मेरे चैनल पे जी जाइएगा और ये जी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जी जाएगा। जी बट ऐसे बोलते हैं देयर कि इज नो इस बट, नाम में ओके फाइन, बट हाँ क्या लास्ट बोलते क्वेश्चन हैं, इज व्हाई आर यू नहीं लाइक वेरी काइंड ऑफ लाइक आई मीन डोंट माइंड बट यू आर स्पीकिंग वेरी रूडली। क्या, सॉरी आई मीन तो आपको बात करने का अंदाज शायद, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। स्ट्रेट रूड है, स्ट्रेट है, क्या कहना चाहते हो, हाँ क्या हाँ ये क्या बोल यू रहे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो। या वो दैट्स हाउ इट किसी को इज, रूडनेस लगता है तो इसमें अब उसकी तो गलती नहीं है ना मोमिना जी। हाँ सॉरी देखिए बट मैं तो सीधी हाँ सीधी बात करता हूँ ना, देखिए मेरे मेरा एक ही काम है, देखिए कुरान हदीस से जो बात साबित होती है, या तो उससे आप मुझे साबित करने के मैं गलत हूँ, और अगर नहीं साबित कर सकते देखिए तो मुझे सर, मैं जलेबी यहाँ नहीं पे बनाए। साबित कर नहीं, आपसे बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ मैं पे लोगों की साबित, बात कर रहा हूँ जिनके हाँ साथ आपको लगता है कि मैं रूड हूँ। आपके साथ मैं रूड हुआ? नहीं, बट जैसे बहुत लोग
आप थोड़े जज्बाती हो जाते हैं शायद। नहीं जज्बाती नहीं रहता, मुझे जलेबी बनाने से नफरत है। लोग आते हैं और वो जलेबी बनाते हैं, फिर बनाते हैं, हाँ फिर बनाते वो हैं। तो एक मैंने आध दफा देखा मैं खा था। लेता हूँ, लेकिन अब ज्यादा खाऊंगा तो शुगर हो जाएगी ना, तो इस वजह से एक आध दफा मैं खा लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ भाई ये आपने बात रिपीट की है, अब मत रिपीट करें। सर्कल में एक ही बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई अगला पॉइंट प्रेजेंट करें ताकि मैं आपसे बात कर लूँ, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा भाई। मुझे मुझे आपसे कहानियां नहीं सुननी है। कहानियां हमने मौलवियों से इतनी बचपन में सुनी है, जिसके इंतहा कोई नहीं। बैठे हुए हैं, पैरों में दर्द होना शुरू हो गई है, गिट्टों में दर्द होना शुरू हो गई है, जमीन पे बैठ बैठ के हम कहानियां सुन रहे हैं मौलवियों की। सुन चुके हैं, वो टाइम गुजर गया, अब मुद्दे पे बात करें, दैट्स द पॉइंट। कभी आपने चटाई के ऊपर, जो कि वो दरखत की उससे बनती है, उसके उसके ऊपर बैठी हैं आप कभी, पैर नंगे पैर? आपको पता लगे कि कितने पैर दुखते हैं, चाहे आप आलती पालती मार के बैठे हैं, चाहे आप दो जानों होके बैठे हैं, आपके पैर दुखने शुरू हो जी जाते हैं। 5 मिनट में पैर दुखने शुरू हो जाते हैं। उस पर बैठ के जो है ना, पाँव में आपकी खरिंड बन जाती है, जो कि वो सख्त किस्म की वो मांस है, वो बन जाती है। आप इस तरीके से आपने बैठ बैठ के सारे टाइम गुजारे और इनकी कहानियां सुनी हो ना, तो फिर अब जब आपने आपको असल हकीकत का पता लग गया है ना, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि इनकी कहानियां सुने। सीधे मुद्दे पे आओ, बात करो यार, मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओ। जी तो थैंक यू मोमिना सो जी, मच अभी आपका जो कंफ्यूजन है हमने दूर किया है, तो क्या जी। विचार है फिर अभी आपका? एकदम से तो आई कांट लीव दिस रिलीजन फॉर श्योर, बिकॉज ठीक है, टेक योर टाइम। मेरे घर में, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा दे आर वेरी रिलीजियस। तो मैं एक्चुअली आई लिव इन हॉस्टल। तो नहीं, आपको पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जी, तो हाँ ठीक है, मेरे को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, बट हाँ ठीक टेक है। योर अभी ये टाइम। जैसा आपने बोला कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तो बस आई विल फोकस ऑन दैट। जी जी बिल्कुल, फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, जी इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, एंड मे बी देन यू कैन टेक योर डिसीजन। हाँ, इतना है कि जो गलत है, एटलीस्ट अगर आप उसको गलत बोल रही हैं, गलत मान रही हैं, अगरचे आप अपने घर वालों को अभी आप नहीं बता सकती, नहीं बता रही हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एटलीस्ट जो गलत है उसको अगर आप गलत समझ रही है, देन दैट इज गुड। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब लोगों को पता है कि ये चीज गलत है, और ऐसे है नहीं कि भाई औरतें एजुकेटेड नहीं है, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन आने के बावजूद भी व्हाई दे आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस रिलीजन। हाँ ना, तो वो दिस दिमागी अपंगता होती है ना। अभी आपने इतना देखा समझने के होगा, बाद एक भी एक दीदी आई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, एनएस नाम की, देख रही थी ना कैसी कैसी बातें कर रही थी, गंदी गंदी बातें, है जी ना। तो वो दिमागी अपंगता होती है, तो जब वो निकल जाएगी तो वो इस्लाम से बाहर ही निकल जाते हैं। फिर वो टिकने का, उसमें रुकने का सेंस ही नहीं बनता, समझिए आप। जी गो, थैंक यू सो मच। वापस जाओ, और कोई और सवाल हो तो लेके आना, तो विल टॉक। बाय द वे, मेरे चैनल पे बिच इन द वेस्ट सर्च कीजिए, आपको मेरे एक वीडियो जरूर नहीं, पहुंच रही होगी। नोमैड भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया है, जब आप यहाँ से, अच्छा हाँ मोमिना जी, जब आप यहाँ से स्ट्रीम छोड़ के, जब आप यूट्यूब से देखेंगी, आपको लिंक मिल जाएगा, जी वो स्ट्रीम जरूर देखना एडम साहब की, और एडम साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिए, देखिए लिंक भी आ गया है। नोमैड भाई एकदम एक्टिव रहते हैं लिंक शेयर करने में, फटक से जो हम बोलते हैं वो फटक से शेयर कर देते हैं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। ठीक है मोमिना जी, टेक टेक केयर एंड बी स्ट्रांग, और हमारा चैनल और वीडियो देखते रहिए आप। ठीक है, बाय हाँ, कुतिया इन द वेस्ट बाय। वर्सेस कुतिया इन इस्लाम, सॉरी ये टाइटल है उसका, कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। ओके थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।